हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धनलक्ष्मी और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। जी हाँ, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का एक ऐसा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली 9th और 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में हमेशा आता है, वो है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग का वेटेज इतना होता है कि अगर आपने, एंड इट इज़ वेरी इजी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ लेटर राइटिंग इज़ अ केक वॉक, यानी बहुत ही आसान सी चीज़ है वो, लेकिन उसका बर्डन उतना टेंशन आप लेते हो कि जनरली क्या हो जाता है, आपको कन्फ्यूजन होता है, पहले सेंडर आएगा, रिसीवर आएगा, ये सेंडर कौन होता है, फॉर्मल कौन होता है। लेकिन आज हम ये सारे डाउट्स को इस सेशन में क्लियर करेंगे और मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाने जा रही हूँ जिससे आपको आसानी से लेटर राइटिंग लिखना आ जाएगा, आप भले आपके सामने कोई भी लेटर रखा हो। तो चलो शुरू करते हैं लेटर राइटिंग। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लेटर के दो फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अभी फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल यानी वट एवर इज ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल चीज़ें जो कि होता है, जैसे लेटर टू एडिटर। लेटर टू द एडिटर एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगेन बहुत बार रिपीट किया गया है एग्जाम्स में, लेटर टू द एडिटर। देन वी हैव प्रिंसिपल के लिए लेटर, हायर अथॉरिटीज़ यानी जो भी कमिश्नर है, ऑफिसर्स है, उन सब के लिए जो लेटर्स होते हैं वो सारे हमारे आते हैं फॉर्मल लेटर में। नेक्स्ट होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल यानी थोड़ा पर्सनल लेटर होता है, जैसे हम फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, हम फैमिली को लिखते हैं, हमारे मदर फादर, यानी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो आप रिलेटिव्स को लेटर लिखो उनको ये बताने के लिए कि आप कितने हैप्पी हो अपने मार्क्स से। तो मतलब फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर इनफॉर्मल लेटर्स में भी पड़ा हुआ है, जबकि फॉर्मल लेटर्स में जो है आप जनरली ऑफिशियल वर्क से डील करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हमने जान लिया है कि दो टाइप के लेटर्स कौन से होते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जनरली जैसा मैंने कहा, 9th और 10th स्टैंडर्ड में हमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो है लेटर टू द एडिटर। सो हमें सबसे पहले लेटर टू द एडिटर में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि हुम आर यू राइटिंग द लेटर टू, यानी किसको लेटर लिखा जा रहा है। दूसरा हमने देखना है कि बात क्या है, दैट इज व्हाट इज द कंसर्न, व्हाट इज द टॉपिक, ठीक है। सो किस बारे में, सो दिस हुम एंड व्हाई, ये दो चीज है जिसका हमें ख्याल रखना है। बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आप उसमें ये दो चीजें ढूंढेंगे कि सबसे पहले किसको लिखा जा रहा है लेटर और किस बारे में लिखा जा रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या थोड़ा सा अलग भी आ सकता है। सो यू आर प्रीति और प्रीतेश फ्रॉम 4 माधव नगर मुंबई 003। सो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको आपका नाम बताया, लेकिन हमें अपना ढूंढना नहीं है, हमें ढूंढना है कि किसको देना है लेटर। राइट अ लेटर टू द एडिटर। सो हमें पता चल गया किसको लिखना है, एडिटर को, कंसर्निंग द पुअर कंडीशन ऑफ योर रोड्स इन योर ऑफ द रोड्स इन योर एरिया। तो मतलब अपनी एरिया की जो रोड्स है उनकी कंडीशन बहुत खराब है। एडिटर को लिखना है लेटर किस बारे में, पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर एरिया। ओके, अपनी एरिया की जो रोड्स है उनकी कंडीशन खराब है। तो हमें टॉपिक पता चल गया, हमें लेटर किसे लिखना है पता चल गया, हमें लेटर लिखना है एडिटर को और टॉपिक है पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स। तो चलो अब हम लिखते हैं लेटर। तो अब हम देखेंगे लेटर टू द एडिटर कैसा लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि फॉर्मल लेटर की तीन फॉर्मेट होती है, फुल ब्लॉक लेआउट, दैट इज़ कंप्लीट ब्लॉक लेआउट, दूसरा होता है सेमी ब्लॉक और तीसरा होता है मॉडिफाइड। हमें उस सब की टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ लिफ्ट में डाल दो। तो ये मैं एक रूल है जो सभी स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि जो कुछ भी है सारा सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब कुछ लिफ्ट में लिखा होना चाहिए, इसमें तो कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखा है, ये होता है सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर यानी हम सेंड कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं, तो हम सेंडर हो गए, तो उसका एड्रेस हमने यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखिएगा एड्रेस जो है तीन लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कि एड्रेस जो है तीन लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जो कि है डेट। सो यहाँ पर दो लाइन छोड़ देनी है आपने, वो देखने में भी काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है। अब डेट जो है उसको लिखने का भी एक फॉर्मेट है, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते 36/2019, नहीं, आपको 30th June 2019 लिखना है, यानी 30th June, 2019 फुल स्टॉप, जून नहीं, जो भी महीना है जो भी तारीख है, लेकिन फॉर्मेट यही रहना चाहिए। अब फॉर्मेट का हम इतना ध्यान क्यों रखने बोल रहे हो, जैसा मैंने कहा लेटर राइटिंग एक बहुत ही स्कोरिंग चीज़ है जिसका आप टेंशन लेते हो, उसमें कुछ टेंशन लेने की बात ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, यहाँ तक का जो पार्ट आपको दिख रहा है दो दो शब्दों का, इसमें ही आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इन सबको भी मार्क्स है। हम जनरली सोचते हैं लेटर यानी ये जो मिडिल पार्ट है उसी को मार्क्स मिलता है, नहीं, लेटर में आपको सेंडर्स एड्रेस को मार्क्स मिलता है, डेट को मार्क्स मिलता है, और जो भी आप फॉर्मेट में इंक्लूड कर रहे हो वो सब के लिए आपको मार्क्स है। ठीक है, तो अब हमने डेट लिखने के बाद फिर दो लाइनें छोड़ दी, उसके बाद हमने लिखा द एडिटर। पहले क्या होता था, हम लिखते थे टू द एडिटर, अब वो टू निकाल दिया गया है। ओके, अब जो अपडेटेड फॉर्मेट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, हम सीधे लिखेंगे द एडिटर, काम आसान हो गया। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई या जो भी आपको न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी जनरली क्वेश्चन में बता दिया जाता है किसको लिखना है। सो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, नहीं बताया है तो अगेन आप टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो उसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये पार्ट, इसे तो हम कहते थे रिसीवर्स एड्रेस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो कि है ये सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन उसे समझना बहुत ईजी है। सैल्यूटेशन, सो आप सैल्यूट कर रहे हो, किसको सैल्यूट कर रहे हो, जो भी जिसको राइटिंग आप लेटर लिख रहे हो। अब हम यूज़ करेंगे सैल्यूटेशन डियर सर। इसका मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि पहले हम लिखते थे रिस्पेक्टेड सर, फिर हमने शुरू किया डियर सर। अब रिस्पेक्टेड सर भी सही है बट वो बहुत ही ओल्ड फॉर्मेट है। अगर आपको अपडेटेड रहना है, और इंग्लिश जो है एक बहुत ही एवर ग्रोइंग लैंग्वेज है यानी वो वक्त के साथ बहुत ही बदलती है, तो अब का जो फॉर्मेट है वो कहता है कि आप यूज़ करें डियर सर ना कि रिस्पेक्टेड सर। कई बच्चे बोलते हैं कि डियर सर बहुत ही पर्सनल हो जाता है, फॉर्मल लेटर में कैसे आता है, लेकिन ये फिलहाल का जो है रिक्वेस्टेड अपडेटेड फॉर्मेट है और हमने यही फॉलो करना है। तो रिस्पेक्टेड सर के बदले हमने यूज़ करना है डियर सर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। अगेन आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते थे फिर हम लोग लिखते थे सैल्यूटेशन, लेकिन अब फिर से नया अपडेशन आया है जिसमें हमें कहा गया है कि पहले सैल्यूटेशन आएगा जो कि है डियर सर, और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या लिखना है ये बात बहुत कन्फ्यूजिंग लगती है लोगों को। बहुत ही ईजी है गाइस, सब्जेक्ट यानी आपको क्वेश्चन में मैंने याद है बोला था टॉपिक क्या है वो समझना होगा कि इस बारे में लेटर लिखना है, वो जो चीज़ है जिस बारे में लेटर लिखना है वही यहाँ पे लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन था पुअर कंडीशन ऑफ रोड, तो हमने सब्जेक्ट में सीधे वही लिख देना है, सो पुअर कंडीशन ऑफ रोड। ठीक है, सब्जेक्ट का एक बात और ध्यान रखिए, सब्जेक्ट में पूरी कहानी नहीं लिखनी है, सब्जेक्ट भी काफी छोटा होना चाहिए, एक लाइन भर का काफी है, आपको दो तीन लाइन का सब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो सब्जेक्ट में जो आपका मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट, उसी को आपने लिखना है। पुअर कंडीशन ऑफ रोड एग्जाम में अगर आता है एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, यूजेज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बैन, तो उसको भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख सकते हो। तो सब्जेक्ट में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो किसको लिखना है, द एडिटर, सब्जेक्ट क्या है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। अब आता है जो मेन हमारी राम कहानी है वो। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम ये बात नहीं समझते कि कोई भी इंग्लिश राइटिंग, लिटरेरी राइटिंग के लिए हमें तीन डिविजन होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द लेटर और कंक्लूजन। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा करके डब्ल्यू एच वर्ड्स को डील करते हैं। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या होती है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो अब हम बताएंगे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, यानी आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, आप किसको लेटर लिख रहे हो, किस बारे में लेटर लिख रहे हो, उसका एक हल्का सा आपने इंट्रोडक्शन देना है। अब यहाँ पर आती है हमारी जो स्पेशल टिप थी वो, मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसी लाइन लिख के रखी है, ये जो लाइन है आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी पेपर में जो है यही लाइन आप छाप कराएंगे तो आपको सबसे बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो है वो रट्टा मारना है। सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपकी न्यूज़पेपर में आई प्रीति शर्मा, प्रीति शर्मा हमें क्वेश्चन में नाम दिया गया था। अब कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में नाम नहीं दिया जाता है, तो ऑब्वियसली जो भी है जनरल नाम, जो भी कॉमन नेम है वही लिखना है, कोई ऐसा अफलातून नाम नहीं लिखो, आप कोई भी आप नाम लिख सकते हो। सो आई प्रीति शर्मा वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपकी न्यूज़पेपर में मैं प्रीति शर्मा चाहती हूँ कि मैं आपका अटेंशन, आपका ध्यान मैं एक बात पर लाना चाहती हूँ। अब आप कौन है, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो, कंसर्न्ड अथॉरिटी यानी जिसका भी ये काम है वो देखें, तो उनका मैं ध्यान ले जाना चाहती हूँ टूवर्ड्स। अब ये टूवर्ड्स के आगे क्या मैंने एलिप्सिस डाल दिया, एलिप्सिस यानी जो तीन डॉट है उसको एलिप्सिस बोलते हैं।
एलिप्सिस में हमने ये फिल करना है जो हमारा टॉपिक है. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में ही ये जान लेना कि लेटर किस बारे में लिखना है. तो वो आप सीधे यहाँ पर डाल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूअर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन माधवनगर, जो कि हमने एड्रेस दिया है. अगर क्वेश्चन में पुअर कंडीशन ऑफ रोड नहीं बोला है, प्लास्टिक यूसेज बोला है, तो फिर यू कैन राइट द एक्सेसिव यूसेज ऑफ प्लास्टिक, द पुअर, द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वही सेम जो है आपने कॉपी करके लिखना है. तो अगेन इधर तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, जो है वैसा है क्वेश्चन में से ही देख के वो लाइन यहाँ छाप देनी, इतना आपको याद करके जाना है. इंट्रोडक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं जो कि है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में हम अब जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, उसको हम डिटेल में इलाबोरेट करेंगे, यानी उसको हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे. ये तो बहुत ही ईजी है. यहाँ पे आपको अपना जो भी है रोना रोना है कि रोड खराब है. सो जनरली एक वर्ड होता है रोड के लिए हम यूज करते हैं पॉटहोल. पॉटहोल यानी जो गड्ढे होते हैं वो, तो पॉटहोल्स की प्रॉब्लम है, बारिश में मानसून में बहुत इश्यू हो जाता है और उसको बनाने के लिए कई सालों से टेंडर ले रखा है, जो भी है आपने. सो वॉट इज द मेन प्रॉब्लम, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. वो होने के बाद एक और लाइन छोड़कर आपने स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है कंक्लूजन. अब कंक्लूजन भी बहुत ही आसान है. कंक्लूजन में एक ही चीज आपको देनी है कि सोल्यूशन क्या है. अब आपने यहां तक डिस्कस कर लिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो इश्यू है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं है, एंड में आपको बताना है कि इसका क्या प्रॉबेबल सोल्यूशन हो सकता है. तो अब हम देखेंगे सोल्यूशन में. अगेन मैं आपको कंक्लूजन में वही लाइन दूंगी. ये लाइन आप अच्छे से याद करोगे तो आपको ये सीधी लाइन लिखनी है और उसमें आपको काफी मार्क्स भी मिल जाएगा. सो लाइन कुछ ऐसी है कि इट विल बी हेल्पफुल इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर. अब हमें भी चाहिए कि हम जो लेटर लिख रहे हैं वो आप हमारे आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश करें. क्यों पब्लिश करें? क्योंकि सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज जिनका ये काम है विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर. इस बात की गंभीरता को देखेंगे कौन, कंसर्न्ड अथॉरिटीज, एंड पुट स्ट्रिक्टर रूल्स इन प्लेस. काफी जो है रूल्स वो लोग प्रॉपरली लगाएंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अब इसमें अगर आप देखोगे ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट सिर्फ रोड के कंसर्न नहीं है, ये आप किसी भी इशू जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया सेम यही स्टेटमेंट आप वहां पे भी छाप सकते हो. सपोज ये आया है एनवायरमेंटल इशूज के ऊपर, तो कंक्लूजन सेम किया जा सकता है. इट विल बी हेल्पफुल इफ यू पुट दिस publish this in your newspaper so that the concerned authority see the gravity of the matter and put stricter rules in place. So, ये जो एक conclusion है वो आपको किसी भी topic पे question दिया गया आप यही conclusion का इस्तेमाल करके question का answer कर सकते हो. इतना आसान है फिर भी exam में कर इस बार आप कर सकते हो because आपको ये tricks समझ आ गई है. So, again मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर लाइनें जो है छोड़नी है, काफी presentable लगता है and वो rule भी है. तो इतना आपने समझ लिया. अब हम नेक्स्ट आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द लेटर में. सो फाइनल पार्ट ऑफ द लेटर में हम डालते हैं जो है हमारा थैंक यू. पहले हम लिखते थे थैंकिंग यू, अब हम लिखते हैं थैंक यू. ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए. सो थैंक यू, योर्स ट्रूली. एक चीज आपने और देखनी, कई बच्चे योर्स में अपोस्ट्रोफी डालते हैं. अपोस्ट्रोफी यानी ये YOUR apostrophe S, ये ऊपर वाला कॉमा. अब प्लीज इस बात का ध्यान दें कि इस वाले में किसी में भी योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आती है. इसकी वजह से भी आपका मार्क्स जा सकता है. जैसे मैंने कहा हर एक स्टेप को मार्क है. जैसे हमारे मैथ्स में हमको मार्क्स मिलते हैं स्टेप्स के लिए, वैसे इंग्लिश में भी राइटिंग स्किल्स में मार्क्स है. तो आप अगर एक भी स्टेप में मिस्टेक करते हो तो हाफ मार्क वहां से चला जाता है और हाफ मार्क की वैल्यू आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता. तो यहां पर याद रखना कि योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा. उसके बाद आपका जो भी नाम है प्रीति शर्मा, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो नाम लिखो. नहीं दिया है तो भी आप नाम इन्वेंट करके लिख सकते हो. जो भी रोहन रोहित, जो भी कॉमन नेम्स है वो आप लिख सकते हो. ठीक है. सो इससे हमने कंप्लीट कर दिया लेटर टू द एडिटर जो हमारे इस टॉपिक पे था. अब ट्रिक ये है कि यही जो फॉर्मेट है आप किसी भी लेटर में छाप सकते हो. कैसे? जैसे मैंने कहा पुअर रोड कंडीशन के बदले एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, प्लास्टिक यूसेज प्रॉब्लम, सेम फॉर्मेट होगा. बस इसमें जो वेरिएशन है वो ध्यान देना है. फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट सभी के लिए सेम होता है. ऐसा नहीं कि लेटर टू द एडिटर के लिए ये फॉर्मेट है.
बस डिफरेंस यही होगा, सपोज आपको लिखना है लेटर टू द प्रिंसिपल, तो उसमें चेंज आ जाएगा द एडिटर के बदले प्रिंसिपल. सो द प्रिंसिपल, टाइम्स ऑफ इंडिया के तो प्रिंसिपल नहीं, स्कूल जो भी है वो लिखा हुआ है वो स्कूल का नाम लिखना. सो द प्रिंसिपल जो भी आपका स्कूल का नाम है, वो क्वेश्चन पेपर में जनरली स्कूल का नाम लिखा जाता है. फिर अगेन सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल को जो भी आपको लेटर लिखने बोला है, आपको एक्टिविटी रिपोर्ट करनी है कि आपके कॉलेज में स्कूल में फंक्शन हुआ था उसका आपको लेटर लिखना है, तो फिर वो जो भी टॉपिक है वो आपने यहाँ पे लिखना है. और चेंज इसमें यही होगा कि उसका जो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर नहीं आएगा, उसका मैं आपको चेंज बताती हूँ. तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल को अगर लेटर लिखने कहा गया है तो क्या करना है. अगर प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि आपकी तबीयत खराब है आपको घर जाना है, फॉर्मेट सेम रहेगा, यहाँ पर द प्रिंसिपल हो जाएगा और जो स्कूल का नाम है वो, ठीक है. उसके बाद जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें यही एक कॉमन लाइन है जो अगेन आप कहीं भी छाप सकते हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई प्रीति शर्मा हियरबाय रिक्वेस्ट यू टू, यानी सम्मान के साथ मैं प्रीति शर्मा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो भी मुद्दा है, मुझे छुट्टी चाहिए या जो भी है. उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे छुट्टी क्यों चाहिए, गांव में जाना है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, जो भी है. उसके बाद आपने लिखना है कंक्लूजन, प्यारा सा छोटा सा कंक्लूजन है, प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड काइंडली डू द नीडफुल. एक और गलती है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वो है प्लीज काइंडली लुक इन टू द मैटर. ये दोनों शब्द एक साथ मत लिखा करिए, ये ऐसा हो जाता है कि आप कुछ ज्यादा ही बेग कर रहे हो कि प्लीज काइंडली मेरा काम कर दो. इतना नीचे नहीं गिरना है, सिंपल सा लिखना है प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड काइंडली डू द नीडफुल, जो जरूरत है वह कर दीजिए. और फिर थैंक यू, योर ट्रूली प्रीति शर्मा. तो इससे हमने आज सीख लिया कि फॉर्मल लेटर, स्पेशली लेटर टू द एडिटर, कैसा लिखा जाता है. आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए फॉर्मल लेटर में, फॉर्मेट सेम रहे और हमारा जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है वही याद करके आप कॉपी करके लिख देंगे, कॉपी नहीं याद करके लिख देंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. उम्मीद है मैंने आपके ज्ञान में थोड़ा सा हेल्प कर दिया और आपको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प कर दिया हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मैं धनलक्ष्मी, बाय बाय.